नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इस समय मौजूद हूँ राजस्थान अलवर रामगढ़ में। 25 को चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरह का माहौल है इस इलाके में, उसे भांपने के लिए बहुत जरूरी है यह देखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस पूरे कैंपेन का सबसे बड़ा चेहरा है, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और नीचे तक वे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं। यह इलाका पिछले चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टसल का रहा है, लेकिन जहां हम खड़े हैं यहां भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा आधार है। यह आधार इस समय हिंदू मुसलमान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिला पाएगा या अशोक गहलोत, जो पिछले कुछ समय से लगातार गरीबों के लिए और खास तौर से महंगाई की मार को काट करने के लिए अलग अलग योजनाएं कर रहे हैं, उनका असर होगा। लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे, आइए मेरे साथ। चुनाव में यहाँ पर क्या मुद्दा है, क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा, आप वोट डालते हैं? हाँ मैम, चुनाव में हमारे यहाँ फिलहाल तो बीजेपी की 80% चांस है जीतने का, बाकी फिलहाल मौजूद में जो है कांग्रेस साफ यखान विधायक है हमारे रामगढ़ से, आगे क्या रहेगा? कांग्रेस ही है, कांग्रेस में ही रहेंगे। क्यों? सदा से कांग्रेस ही, हमारे बुजुर्ग कांग्रेस से रह गए, हम कांग्रेस ही है। क्या नाम है आपका? रामू मेरा नाम, सनो बम्बू राम मीणा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मुद्दा लग रहा है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है आपकी यहाँ पर? मतलब सर, मतलब विधानसभा कौन सी है आपकी? रामगढ़। रामगढ़ है, रामगढ़ है। हाँ, रामगढ़। तो यहाँ लोग बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का भी ये काफी बड़ा मुद्दा होगा और ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राम मंदिर एक मुद्दा नहीं बनेगा? वो तो है ही, वो तो पहले से मुद्दा बना हुआ, आज थोड़ी। और ये मेवात में जो हुआ उसको भी भाजपा कह रही है कि काफी उससे वोट, उससे फायदा नहीं, मिलेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या होगा, क्या मुद्दा? कांग्रेस आएगी, क्लियर है, कोई टालने वाला ही नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में क्या बात है ऐसी, क्या अच्छा काम किया उसने? कांग्रेस ने कौन सा काम नहीं किया बता? राशन, हर आदमी का हाथ में थैला लटका दिया। कांग्रेस, कांग्रेस मोबाइल दे दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, 20 साल की नौकरी और कहीं ले। और मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया? मोदी जी ने मरवा दी, इनकी जमीनों के लिए ले लो, किसानों के लिए हम देंगे, खाने के लिए वो देंगे, तू क्या देगा? तू मोदी क्या दे देगा खाने के लिए? नौकरी बंद करवा, देख लो, 4 साल नौकरी करवा दी इस मोदी। अग्निवीर की बात कर रहे हैं आप? है जी, वही जो सेना में नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से लोग सेना में जाते थे? जाते थे। दो भाई तो मेरे हैं खुद के, मेरे को तो पहले के लगे हुए, इसलिए नहीं। अब जो लग रहे हैं सब 4 साल नौकरी करा, कोई कर ही ना रहे, कोई नौकरी ना कर रहा। बताओ कितनी भर्ती निकलवा दी हमने, बताओ मुझे इसने। सब बंद सील लग, भाई मोदी ने भर्ती अब कहाँ निकलवाई, कोई देखा लगा हो नया बच्चा? लगी ना रहा, सड़सा हटवा दी। तो ये बताएं कि गहलोत जी ने क्या अच्छा काम किया और क्या बुरा काम किया है? खूब बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, खूब अच्छा काम कर रहा, हमारे लिए खूब बढ़िया कर रहा। जैसे क्या क्या अच्छा किया भाई? खूब गेहूँ मिल रहा है, खाने राशन मिल रहा है, घर के सचित बड़े मिल रही है हमारे यहाँ। अच्छा, और रसोई गैस, लोग बोल रहे हैं रसोई गैस महंगी है। हाँ, महंगी थी पहले, अब तो 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है, 970 का, 970 नहीं ये बट 1200 1150 का सिलेंडर, अब 970 का। एक चीज ये बताइए कि लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान काफी है इस इलाके में, मुसलमान को हिंदू वोट नहीं देगा, ऐसा है क्या? नहीं, मुसलमान भाई हिंदू सब लोग वोट दे रहा, मुसलमान भाई हिंदू को ये सब लोग वोट है, सबके वोट है, सब वोट है। ये बताइए कि यहाँ पे अभी जो हरियाणा में हुआ मेवात नू में, उसका असर यहाँ पर भी है क्या हिंदू मुसलमान? हमारे यहाँ पर तो नहीं है, हमारा तो खूब ये होते हैं, हमारे ब्याह शादी में भी यहाँ मीणा खूब हमारे जावे, हम मीणा जाते हैं खूब, 10-12 साल तो पिंजर काटते काटते हैं, खूब दुकान चला रहा हूँ, खूब रहता हूँ, खूब हम जाते हैं, खूब आते हैं इसमें, हम तो सब भाईचारा रहते हैं, ऐसे अपना एक घर भाईचारा रखे हम तो सब, हमारे यहाँ पर लड़ाई होती है, लड़ाई होते हरियाणा में होते, हमारे तो कोई ना, हमारे कोई लड़ाई ना हो। हिंदू भी आजकल ऐसा है, हिंदू की बात नहीं समझ रहे, मुसलमान की सोच कैसी है, हिंदू की कैसी है, हिंदू भी मुसलमान का सपोर्ट दे रहे हैं आज के समय में, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हर मुसलमान भी मतलब ये मानो 20% अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या खराबी लगती है आपको, क्या परेशानी लगती है मुसलमानों से? किसी मुसलमान ने आपको नुकसान किया? मुसलमान ने नुकसान तो मेरा नहीं किया, लेकिन ऐसा है जैसे अभी हरियाणा में झगड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, इधर अपने पुनाना साइड में, हाँ अभी हुआ था, तो वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम लेके एक विवाद हुआ था भयंकर तरीके से। आपका क्या नाम है और क्या काम करते हैं? सुरेश कुमार जी, मजदूरी करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा इस बार यहाँ पर? चुनाव का तो माहौल ही बताएगा साहब, माहौल तो हो गया तो सब, मोदी जी को भी आपने दौड़ा दिया, गहलोत जी दौड़ रहे हैं, माहौल क्या है ये बताएं, मुद्दा भी क्या है ये बताएं? मुद्दा तो क्या बताएं, मैं तो देख कांग्रेस ही। अच्छा। और मैं नहीं, मेरा पूरा गांव ही। आपके गांव का नाम क्या है? भयाड़ी गांव है मेरा। अच्छा। कौन लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पर? एससी। एससी? हाँ। अच्छा। हमारी पंचायत में 5,500 करीब वोट है, उसमें से 4,000 वोट करीब कांग्रेस के, बाकी तो बीजेपी जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रही है। एससी एसटी के ऊपर ये बहुत ज्यादा वो कर रहा है क्या, कि बहुत गुंडागर्दी करवाई है इसने, या कुछ सीमा नाम मणिपुर में देखो, मणिपुर में क्या हाल हुआ है, और भी देखो कहीं बहुत चीजें ऐसा, दलित के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है इसकी वजह से आप हम कांग्रेस में वोट। और देखो माहौल बताया, कांग्रेस में भी देंगे या बसपा आएगी, कोई माहौल बनगा तो बसपा भी। बीजेपी के साथ कुछ नहीं है, बस पाया आजाद समाज पार्टी है, दलितों के साथ देती है, गरीब आदमियों के साथ देता है, खूब देता है, तो उसका भी माहौल बनेगा तो उसमें भी हम वोट दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी का चांस नहीं? बीजेपी में नहीं। अच्छा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात भी बहुत बात, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, देखो हिंदू हमारे लिए सब भाई है, मुसलमान सब बराबर के, कोई ऐसी बात नहीं है, जब कोई खराब काम करेगा, गंद वो करेगा तो उसके ऊपर तो जुर्म होगा, कोई भी अत्याचार करेगा, गुंडागर्दी करेगा तो उसके ऊपर तो अत्याचार होगा। ये आप मेवात की बात कर रहे हैं? मेवात, मेवात का असर पड़ेगा क्या यहाँ पर? मेवात का कोई असर ना पड़े, सब वह हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है और क्या पेशा है आपका, क्या काम करते हैं? जोगिंदर सिंह कोचर मेरा नाम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ, और मेरा यहाँ पे जो बिजनेस है वो रेंटल बिजनेस है। अच्छा, ये बताएं कि राजस्थान में जो पूरा भी माहौल है उसमें लोग बोल रहे हैं कि हर साल, हर 5 साल में सरकार बदलती है, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे आप तो मान के चलेंगे कि कांग्रेस वापस आ रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि राजस्थान की एक रिवाज रहा है बहुत साल, हर 5 साल में चेंज होता है, तो गहलोत जी को मुश्किल तो बहुत है, और खासतौर से आपका इलाका क्योंकि ये तो मेवात से जुड़ा हुआ इलाका है, नूह में अभी हिंसा हुई थी, हिंदू मुसलमान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में यहाँ कैसे कांग्रेस के पक्ष में क्या चीज है आपके लिए? देखो एक बात बता दूं मैं आपको, ये बात ठीक है, राजस्थान में रिवाज ये चला रहा है पिछले 20-25 साल से जी, लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी इतने काम है लोगों के सामने, चाहे ओपीएस योजना हो, तो सरकारी कर्मचारी वन साइड वोट कर रहा है, महिलाओं को मोबाइल बांटने का जो काम किया उससे महिलाओं के घर में ये है कि जिनको मिल गया उनको यह है कि उनको मोबाइल मिला, उन बच्चियों को ये है जिन बच्चियों को पढ़ी लिखी बच्चियों को मोबाइल मिला तो उन्होंने कहा, कई तो मैं खुद मोबाइल बांटने का काम इसमें करता रहा, हर कैंप में जाता रहा, उन्होंने ये कहा कि साहब पहली बार हमने मोबाइल देखा तो उनके घर में खुशी गई, तो उनको ये लगा। लेकिन मर्द तो नाराज भी हैं, औरतों को मोबाइल मिल गया, बड़ी आजादी हो गई है, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी समाज में, हमें लोग मिल रहे थे। सुनो, मर्द कभी भी नाराज नहीं होता, घर में जब माल आता है ना किसी के भी आया, चाहे किसी के, चाहे महिला के नाम से आए, चाहे आदमी के नाम से आए, चाहे बच्चों के नाम से आए, तो घर में तो आया है, बात थोड़ी है यूँ तो है नहीं वो कहीं और चला गया, लेकिन महिला में खुशी बहुत है, उन महिलाओं का हकीकत ये है हिंदुस्तान का वोट जो है वो महिलाओं के आधार पर करता है, सभी लोग महिलाओं को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं, यही होता है। तो और आप देखो पिछला जो चुनाव अगर हम दो दफे हारे हैं लोकसभा का, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था ना बच्चों और महिलाओं का था हराने में, बुजुर्ग आदमी जहाँ फिक्स है वो नहीं हिला कहीं से, लेकिन बच्चे और हुआ क्या, बच्चा साइकिल पे या स्कूटर पे या कार में बैठा के माँ को ले जा रहा है या बहन को ले जा रहा है, बीबी को लेके जा रहा है, उससे कह रहा है नहीं साहब अपने अगर वोट इधर डालना है, मम्मी आपको मेरी सौगंध है, आपने इधर उधर वोट डाला, अब मम्मी की मजबूरी है, इमोशनल ब्लैकमेल हुई मम्मी, तो क्योंकि इस बार नहीं होगी, इस बार इसलिए नहीं होगी, उनको पता है कि हमारा काम किसने किया है, जब काम किया है तो उसका इनाम तो मिलेगा, हम तो ये मानते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं होगा? हिंदू मुसलमान कब होता है? हर बार होता है। कब होता है?
जब होता है कि जब आप इससे पहले क्या कांग्रेस क्या करती थी, इनके क्वेश्चन का जवाब देती थी, यानी ये फील्डिंग ये करते थे, हमें तो केवल पीछे खड़ा रखते थे, वही देख लेना जैसी थी। अब केवल हम आगे फील्डिंग कर रहे हैं, आगे हैं इनसे दो कदम, ये जो कुछ कहते हैं उसका जवाब नहीं देते, हमारा क्वेश्चन सामने होता है, इसका जवाब दे दो आप।